वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये देखिए मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी। अभी हम लोग बाहर से आए हैं, तो काफ़ी चीज़ें लेके आए हैं। छोटू की दुकान से गए थे, आइनू और सैमा बाजी आई थी हमारे घर में, क्योंकि इधर आओ इनके हो गए थे कान बंद। तो ये देखिए अभी पिछले दिनों में आपने वीडियो देखी होगी, उन्होंने छिदवाए थे, तो अब फिर उन्होंने ना बंद कर लिए। तो अब दोबारा हम लोग इनको फिर करवा के आए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं और हम आपसे दिखाते हैं अभी। तो मैंने और हनी ने जाना था, अभी जाना था हनी ने नहीं, मैंने और सैमा ने जाना था बाज़ार। तो पहले हमने कहा इनकी शॉपिंग करवा ले। और ये देखिए ये नई प्लीच आई है, ये हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ना अभी ये कह रहे हैं कि काफ़ी कान दर्द हो रहे हैं, तो पहले बंद करवा दिए इन्होंने, दोबारा अच्छे भले हो गए थे। तो हाँ ये रिंग दिखाओ ज़रा, ये देखें, ये देखे, ये देखे, ये है, ये इसने लिए टीटू है ना हमारी मरियम। खैर हम प्यार से उसको टीटू कहते हैं। ये उसके इयररिंग्स हैं और बड़े प्यारे हैं। और मेरे भी दिखाओ, ये मैंने और सैमा ने लिए हैं सिंपल, ठीक है। तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं, तो छोटी छोटी हैं। तो एक स्पेशल जो चीज़ है ना मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये देखें ये रिंग मैंने ली है, ये मोर बना हुआ है, तो बड़ी प्यारी लग रही थी। हाँ बड़ी प्यारी लग रही थी, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, आगे शादियों का सीज़न है और वैसे भी हमारा क्रिसमस है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने ले ली। तो अभी हम लोग जाएंगे बाज़ार, तो तब भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो चलिए अभी मैं पानी वगैरह पी लूँ, अभी हम लोग बाहर से आए हैं तो मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है, तो बाद में बात करेंगे। तो अब हम लोगों ने देखें प्लगिंग वगैरह भी करा लिया, पार्लर में आए हुए थे हमारे, ये मोहल्ले वाला पार्लर है। तो बाज सैमा ने भी करवा लिया, दिखाना ज़रा बाज, ये देखें बाजी ने भी करवा लिया और मैंने भी करवा लिया। और अब हम जाएँगे बाज़ार, तो अभी हम बाज़ार में चल के मिलेंगे, बाय। देखिए जी हम रेडीमेड वाली दुकान के आए हैं अंदर, तो वैरायटी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छा मुझे भला कौन सा सूट लगा आपको दिखाती हूँ अभी, वो ग्रे वाला, वो लीलन में बना हुआ है तो वो इसलिए मुझे अच्छा। बाकी ये देखें ना, ये टिशू में सारे लगे हुए हैं, तो टिशू में तो नहीं खैर पहने जाते बाद में, वो ग्रे वाला मुझे अच्छा लगा रेड के साथ। तो ये फैंसी है, ये भी फ्रॉकें लगी हुई हैं फैंसी, तो कीमतें भी आपको नज़र आ ही रही हैं, ठीक है। तो चले फिर अब हम निकलते हैं यहाँ से। हम इसीलिए इधर खड़े थे क्योंकि हम लोगों ने खाए थे समोसे और फिर नीचे बैठ के खाए, तो हमने कहा चले फिर हम लोग ना दिखाते हैं सब रेडीमेड कपड़े भी दिखाते हैं, और जो को पसंद आएगा वो ले भी लेंगे। देखिए जी ये रिंग वाली दुकान पे हम लोग आए हैं और सैमा ने देखे पहन के, देखिए प्यारी लग रही है, तो मुझे ये पसंद आ रहा है अभी, माथा बिंदी और झुमके, तो लेने का भी मूड नहीं है लेकिन पसंद आ रहा है। लेकिन सैमा ने देखे कितनी खूबसूरत खूबसूरत ज्वेलरी लगी हुई है इनकी शॉप पे, तो भाई मुनासिब नहीं कर रहे। लेकिन ये देखिए रिंग देखिए कितनी बड़ी है। लोग तो थक गए हैं बाजी की चीज़ें ढूंढ ढूंढ के, यकीन माने। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बाजी ने मुझे खपा दिया, अभी भी कुछ मिल रही है कुछ नहीं मिल रही है। एक सूट की अभी मैं लेने आई हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी ये स्यापा है, ये लेने आए हैं और ये मिल रही है, लैस मिल गई है लेकिन वो भी नहीं मिले, ठीक है। तो अभी भाई इसमें भी दिखा दो, ये अगर नहीं वो नहीं है तो ग्रीन जी। हम लोग घर आ गए हैं, तो घर में आए हैं, तो हमारे साथ एक हादसा हुआ है, वो भी रास्ते में बस सैमा का बच गया है। रिक्शा बहुत ही बुरा है यहाँ पे, तो कट सा लग गया लेटी हुई है, नहीं तो लेटी हुई है बाजी, बहुत बुरा लगा। और ना उनका ब्लड बहुत ज़्यादा निकला ना, तो अब आए हैं तो हम लोग खाना बनाने लगे हैं। तो बाकी का सामान मैं आपको जो भी कुछ लाई हूँ ना अपना, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, या शायद नहीं, चलो नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि मेरा व्लॉग फिर लंबा हो जाना है। तो मैं अपनी शॉपिंग आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, मैं क्या लेके आई हूँ बाज़ार से। अभी कुछ खास नहीं लेके आई, बस एक शॉल ही लेके आई हूँ अभी वेलवेट की, और कुछ भी नहीं। बाजी ने भी ली है, मैंने भी ली है, ठीक है। तो बाजी को मुझे लगता है कि नज़र लग गई आप जिसकी वजह से
बाजी को बड़ा नुकसान हो गया है, तो आप दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। तो नहीं नहीं, मैं इस तरह का व्लॉग नहीं चाहती कि मेरा इस तरह का व्लॉग बने, ठीक है। मेरे व्लॉग में सब हैप्पी हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भी देखिए प्लग इन करवाई है और काफ़ी दिनों बाद पार्लर से करवाई है, तो अच्छी शेप आ रही है। तो अभी अब मैं खाना बना रही थी, तो अभी भाई भी नहीं आए और शायद चीना भी अभी आ जाए, तो फिर हम सब इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे, तो उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं कल लेके आई थी, क्योंकि मैंने दिखाई नहीं थी, मैंने कहा चले, अब मेरी वीडियो भी नहीं अपलोड हुई थी, मैंने कहा चले दिखा के फिर वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। तो अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। हाँ जी, एक सूट है और ये मैं लेके आई हूँ, तो मामा ने मुझे बोला है कि ये मेरी तरफ से आप रख लो, और आपने पैसे 3000 का सूट लेके आई हूँ, और मामा ने कहा ये मैंने आपकी एनिवर्सरी पर, चलो आपको गिफ्ट देना था, तो उन्होंने मुझे पैसे वापस दे दिए, और सूट उन्होंने कहा ये मेरी तरफ से आपको, ठीक है। मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए ये इसकी शर्ट है, ठीक है, ये है नीचे दामन, ये शर्ट है और ये बैक साइड है, ठीक है। तो इसका दुपट्टा भी अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके ये तो टिशू का ना, तो मुझे पसंद आ गया था तो मैंने ले लिया था, तो वो रेडीमेड वाली दुकान पर, तो वो रेडीमेड तो नहीं मैंने लिया, अनसीला लिया, ठीक है, मुझे रेडीमेड पसंद नहीं है। इसके दुपट्टा इसके साथ ये मैचिंग हो रहा था, ये इन्होंने किया हुआ कंट्रास्ट। तो खैर एक शॉल ली है, वो भी आपको मैं अभी दिखाती हूँ। और ये देखें जी, ये वेलवेट की शॉल थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली है, और सैमा बाजी ने भी एक लिया, डिज़ाइन भी फ़र्क है, ये मुझे ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगा था, ब्राउन कलर है। तो अब मैं इसके साथ वेलवेट का ही सूट लाऊंगी, बिल्कुल सिंपल, तो फिर सिलवाऊंगी तभी आपको दिखाऊंगी। अभी तक कुछ प्लान नहीं है कि पहनना कब है, लेकिन ये है कि चले जब भी, वैसे तो मुझे ये है कि मैं चले न्यू ईयर पे पहन लूँगी, न्यू ईयर के लिए, तो क्रिसमस के लिए तो नहीं है ये, और वो है क्रिसमस नाइट के लिए, ठीक है, तो वो मैं लेके आई थी इसीलिए। तो अभी आप मुझे, अब मैं फ्रंट करके दिखाती हूँ, तो आप लोग मुझे बताना कि मुझे कलर सूट करेगा कि नहीं, मुझे कलर सूट करेगा कि नहीं, लग ब्लैक रहा है, लेकिन ये है डार्क ब्राउन, मुझे बड़ा पसंद आया था तो मैंने ले ली, अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो मैं अभी सूट भी आपको अपने लगा के दिखाती हूँ, ये ना मैंने टीपिंग किस लिए लिया था, क्योंकि मेरे पास कलर था पहले, लेकिन वो सूट बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए मैं नया ले आई हूँ। तो अभी इसको भी लगा के देखते हैं, ये देखिए कलर सूट कर रहा है, अच्छा लगेगा जब मैं पहनूँगी, तो कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो चले अब मैंने दुपट्टा उतार दिया, तो खैर अगर किसी, अभी तो मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, वैसे बाजी ने अपनी चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं भी जब आई हूँ तो ज़रूर लूँगी, मुझसे भी नहीं रहा जाता कि मैं ना कुछ लूँ, तो मैंने भी ले ली फिर भी। तो हनी बड़ा खुश हुआ, नहीं कहता पहली मरतबा आप खुद अपने लिए कोई चीज़ लेके आए, वरना आप नहीं लेते, मैं हनी साथ जाए तो मैं तब अपने कपड़े वगैरह कुछ भी लेना हो तो फिर लेती हूँ। तो मैं कह रही थी हनी सही है, हनी कह रहे बहुत प्यारा लग रहा है, दुपट्टा भी सूट भी दोनों चीज़ें बहुत प्यारी है। तो ये फ़िलहाल तो ये अब मेरा गिफ्ट बन गया, क्योंकि मामा ने दिया मुझे, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है और दिसंबर में होती है, यानी कि दिसंबर की पहली तारीख होती है ना जो, तो हमारी एनिवर्सरी 5 तारीख तक स्टार्ट रहनी है, ठीक है। तो इसीलिए ना मामा ने बाजी को भी लेके दिया, नादिया बाजी को भी, चंदा बाजी को भी, सबको एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है सूट ला के। तो मैं ले आई हूँ, तो अब मामा कह रही थी कि आप पैसे, मैं आपको दे देती हूँ ना पैसे, तो आप ये सूट ले लो, तो आप यही फील करो कि आपने, मैंने ला के दिया। मैंने कहा चले ठीक है, ये भी सही है।
तो चले फिर, आज का व्लॉग हमारा इतना सही था, ठीक है ना। मेरा व्लॉग लंबा हो जाना, ठीक है, तो अभी मैंने अपलोड करना है और शाम को जाना है शादी पे, तो उसका भी जाएंगे, जो भी कपड़े पहनेंगे। कपड़े तो खैर मैं पुराने पहनूंगी, पहले मैं कुछ और आइडिया था, कल एक और इवेंट है, आज बारात है जिस हमारे साथ वालों के, तो बच्चे गए थे रात को मेहंदी पे, हम लोग नहीं गए सैमा बाजी की वजह से, क्योंकि सैमा बाजी को चोट लग गई थी इधर, उसकी वजह से हम लोग जा नहीं सके। तो खैर चले कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। तो ये है कि आज शादी पे जाएंगे तो आपके साथ भी वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमें दीजिए इजाज़त। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मौसम आजकल आपको पता है सब बीमार हो रहे हैं, तो अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें और अपना खुद का भी ख्याल रखें, ठीक है। तो चलें, खुदावन आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ। तो खुदा हाफिज़।